हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चार डुओपोली बिजनेसेस के बारे में, जो कि दोस्तों ज़बरदस्त बिजनेस हैं। और डुओपोली मतलब कि जो दो कंपनीज होती हैं उनकी सर्विसेज मार्केट में दोस्तों डोमिनेट करती हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन्हीं जो कंपनीज में से 8 कंपनीज आपको बताने वाला हूँ, मतलब हर बिजनेस की 2 प्लेयर्स जो कि डोमिनेट करते हैं मार्केट में। ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है दोस्तों इन कंपनीज का, ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं और फाइनेंशियल रेशोज़ हैं, और 5 साल में दोस्तों आपको ये करोड़पति बनाने का दम रखते हैं। इसके पीछे का रीज़न और लॉजिक यही है दोस्तों, इनका बिजनेस मॉडल और इनके फंडामेंटल्स। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं। और लास्ट में आपको बोनस में देने वाला हूँ एक और डुओपोली बिजनेस जिस पर मैं काफ़ी बुलिश हूँ, वो आपको बताऊँगा एंड में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला बिजनेस है दोस्तों लिकर बिजनेस का, मतलब कि ये जो कंपनीज है मैन्युफैक्चर करती है लिकर एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। तो उसमें पहला नाम है रेडिको खेतान का। तो इसके अगर मैं आपको एक बार प्रोडक्ट की रेंज बताऊं, तो देखिए इसका पहला प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं, मैजिक मोमेंट्स, अगर आपने नाम सुना हो। 8 PM जो विस्की आती है इसकी, एंड देन कॉन्टेसा की जो रम आती है, एंड एक प्रोडक्ट आता है इसका ब्रांडी आती है मॉर्फियस की। तो ये जो दोस्तों प्रोडक्ट्स हैं इनका मार्केट कैप्चर अच्छा खासा कर रखा है इन प्रोडक्ट्स ने, अपना मार्केट शेयर अच्छा खासा है। और जिस प्रकार का ये बिजनेस मॉडल है दोस्तों फ्यूचर में भी अच्छा चलने वाला है। कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी हो सकती है ये, क्योंकि देखिए कोरोना पेंडेमिक जब आया तो लाइनें जो देखी थी आपने, ऐसा लग रहा था दोस्तों कि ये एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, लाइफ जो डेली एसेंशियल्स होते हैं उसी तरह का एक ही प्रोडक्ट है। और जिस प्रकार का ये यहाँ पर आपको कंजम्पशन देखने को मिल रहा है, और देखिए आगे भी अर्बनाइजेशन जैसे जैसे होगा दोस्तों ये जो बिजनेस है आगे वैसे ही फ्लरिश करने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है। तो देखिए फाइनेंशियल रेशोज़ की बात करें, फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। सिर्फ हम फाइनेंशियल रेशोज़ यहाँ पर कंसिडर करेंगे, उसके बेसिस पर आपको एक ज़बरदस्त इंसाइट मिल जाएगा कि कंपनी यहाँ पर कितनी अच्छी है। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी देखिए 26.9, इंडस्ट्री का पी 13.5, आरओसी 18.4, आरओई 17.3, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है 16.2, डेट देखिए 0.19। तो ये डेट दोस्तों इन्होंने काफ़ी रिड्यूस किया है रेडिको खेतान ने। एक टाइम पे दोस्तों करीब करीब ये डेट टू इक्विटी होता था इसका 0.70 या 0.80 के आसपास, इन्होंने अब रिड्यूस करते हुए इसको बहुत कम कर लिया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए और आगे के इनकी ग्रोथ के लिए। रिटर्न देखिए 5 साल में 31.8 और 10 साल में 10.9%। तो अब ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आप 10 साल में आपको थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन जिस प्रकार का इनका डेट था दोस्तों वहाँ पर थोड़ा सा ये प्रेशर क्रिएट कर रहा था इनके लिए, लेकिन अब डेट रिड्यूस किया है तो अब देखिए 5 साल में अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पर जो है रिटर्न दिया है। और आगे भी दोस्तों ये कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छे खासे CAGR से आपको रिटर्न बनाने का दमखम रखते हैं, मतलब आपके लिए रिटर्न जनरेट करने का दमखम रखते हैं। दूसरा है एसोसिएटेड अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूरीज लिमिटेड, अगर इसके प्रोडक्ट में आपको बताऊं तो वेट 69 आपने एक नाम सुना होगा, जो इनकी विस्की आती है, एंड देन ब्लैक डॉग विस्की आती है, रम आती है, आई डोंट नो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, विस्की होती है, रम होती है, वेट 69, एक आती है ब्लैक डॉग। देखिए ब्लैक डॉग तो मैं नाम सुना हुआ अच्छा खासा, ये जो प्रीमियम ब्रांड है एक मैकडोवल्स नंबर 1, काफ़ी अच्छा खासा इसका मार्केट शेयर है। स्मिर्नॉफ वोडका आती है, तो ये देखिए इनके प्रोडक्ट की रेंज भी ज़बरदस्त है। बैक पाइपर भी इन्हीं का प्रोडक्ट है, तो इनके भी दोस्तों एसोसिएटेड अल्कोहल की अच्छी खासी प्रोडक्ट रेंज है, लेकिन मार्केट क्या आप देखेंगे तो 541 करोड़ का है। तो आप समझिए इसके पास कितने ज़्यादा ग्रोथ के पोटेंशियल हैं, यहाँ से इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है ये जिस प्रकार के प्रोडक्ट लेके बैठी है। स्टॉक का पी देखिए बहुत ही सस्ता है, आरओसी देखिए 34.9, बहुत ही बढ़िया नंबर आ रही, ऑलमोस्ट 30 के आसपास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17 के आसपास, डेट देखिए 0.03, बहुत ही कम, प्लेजिंग 0, 5 साल में रिटर्न देखिए ज़बरदस्त 34.5 के और 10 साल में 34.2 के। तो इसने तो दोस्तों ज़बरदस्त वेल्थ बना के यहाँ पर दी है। तो ये था पहला डुओपोली बिजनेस, और ये 2 प्लेयर्स थे इसके जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और प्रोडक्ट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। दूसरा बिजनेस मॉडल है डुओपोली बिजनेस है दोस्तों, ये है बेसिकली डायग्नोस्टिक एंड प्रिवेंटिव केयर जो सर्विसेज होती है उसके लिए, डॉक्टर लाल पैथ लैब पहला, और दूसरा भी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, और जिस प्रकार से अवेयरनेस बढ़ी है कोरोना के बाद, पेंडेमिक के बाद, अब दोस्तों ये यहाँ से जो है फ्लरिश करने ही वाला है बिजनेस। ऑर्गेनाइज सेक्टर में यही 2 प्लेयर है जिनको दोस्तों काफ़ी अच्छा यहाँ पर मार्केट शेयर है। इनका काम है बेसिकली ब्लड टेस्ट जो होते हैं, सोनोग्राफी और यूरिन टेस्ट वगैरह एंड एटसेट्रा जो भी टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर ये इन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। मार्केट कैप देखिए
करीब करीब 19,000 करोड़ का प्राइस देखिए 2272, काफ़ी रनअप दिया था इसने कोरोना पेंडेमिक के बाद। पी देखिए 93, काफ़ी हाई पी पे भी ट्रेड कर रहा है, और जिस प्रकार का बिजनेस है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये पी यहाँ पर जस्टिफाइबल है। ROCE 32, ROE 22, ऑपरेटिंग 23, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23.7, डेट देखिए 0, प्लेजिंग 0, 5 साल में रिटर्न 22.2 की CAGR से अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर जनरेट किए हैं। 10 साल अभी कंपनी को नहीं हुए हैं तो यहाँ पर नंबर नहीं है। दूसरा है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, इसी का पीयर है ज़बरदस्त, ये भी एक कंपनी है, अच्छी खासी दोनों की प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया, काफ़ी अच्छी जो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ हैं इनकी। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 71 का पी ई है, ROCE देखिए 35, ROE 22, प्रॉफिट मार्जिन ज़बरदस्त 34.7 का, डेट देखिए 0.03, वर्चुअली डेट फ्री है। और इस कंपनी को दोस्तों अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं तो यहाँ पर इन नंबर्स को देखें हम तो ज़बरदस्त यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं। और एक चीज़ और देखिए आप, डिविडेंड यील्ड 1.07 का, अगर लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करते हैं दोस्तों, ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड है 1% के ऊपर की। अब तीसरा बिजनेस डुओपॉली बिजनेस है दोस्तों बैटरी सेक्टर का, और हमारा राजा बैटरी इसमें पहला नाम है। दूसरा नाम आपने गैस कर ही लिया होगा, चलिए मैं बता ही देता हूँ, दूसरा है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। तो बैटरी सेक्टर में दोस्तों काम करती है ये, और ना सिर्फ बैटरी में नहीं दोस्तों, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट्स जो होते हैं उसमें भी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, UPS वगैरह एंड डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं हमारा जो बैटरीज सेगमेंट में, ये उनको सर्विसेज वहाँ पर जो है अपनी प्रोवाइड करते हैं। और देखिए आने वाला समय जो है दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है, ये तो फॉर श्योर है, और यहाँ से दोस्तों ये दोनों बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इन पे एक नज़र है लोगों की, कि ये दोनों ऑटो एंसिलरी सेक्टर के बैटरीज बनाने वाली कंपनीज, मार्केट शेयर ज़बरदस्त है दोनों का, पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो यहाँ से दोस्तों काया पलट हो सकती है, टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकती है, एक्साइड एंड हमारा राजा। तो अगर रेशोज की बात करें तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी देखिए 28.2, इंडस्ट्री का पी 44, तो अट्रैक्टिव वैल्यूशन पर भी अवेलेबल है। ROCE 23.5, ROE 18.6, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.9, डेट देखिए नेग्लिजिबल। 5 साल में देखिए बहुत ही कम यहाँ पर नंबर आपको दिखेगा, क्योंकि देखिए ऑटो सेक्टर में काफ़ी टाइम से प्रेशर था, तो इसके लिए यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया ऑटो सेक्टर ने, एंड सेम गोज़ विद ऑटो एंसिलरी, इसने भी परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए 5 साल के रिटर्न आपको यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन 10 साल में देखिए 26.0 के जो है अच्छे खासे CAGR रिटर्न से यहाँ पर जनरेट हुए हैं रिटर्न। बात करें एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं सिमिलर मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट मार्केट कैप है हमारा राजा का जितना ही है। स्टॉक का पी अभी सस्ता ही है, देखिए 17 का ROCE है, ROE 12.3 का है, डेट देखिए कंपनी पे बिल्कुल नहीं है, प्लेजिंग 0 है, डिविडेंड डील देखिए ज़बरदस्त 2.24, 5 साल का रिटर्न देखेंगे आप तो 4.62, और 10 साल में देखेंगे तो 0.93। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ये दोनों टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकती है, तो इन पे आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए, और ये दोनों मार्केट लीडर्स हैं बैटरी एंड ऑटो एंसिलरी में, अगर बैटरी बिजनेस की हम बात करें तो ये दोनों मार्केट लीडर्स हैं। तो ये था दोस्तों तीसरा। अब चौथा डुओपॉली बिजनेस है बाटा इंडिया एंड रिलैक्सो। जी हाँ दोस्तों, इनका तो दोस्तों अगर मैं इंट्रोडक्शन आपको दूँ, अगर तो एक तरह से इनकी शान में थोड़ी सी गुस्ताखी होगी तो मैं सीधा आपको बताता हूँ। देखिए इनके रिटर्न्स आप देखिए 5 साल के 25.4, बाटा इंडिया ने क्या ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को दोस्तों, 10 साल में 24.2। तो यहाँ पर जो कंपनी है बाटा इंडिया, और जिस प्रकार की कंजप्शन स्टोरी रही है पिछले कई सालों से दोस्तों, आगे भी ये बरकरार रह सकती है, और रिलैक्सो भी सिमिलर वे में दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी जो है वेल्थ क्रिएट करके दी है अपने निवेशकों को, 26 ऑलमोस्ट 27% 5 साल में, 10 साल में 46.6। तो ये दोस्तों था चौथा डुओपॉली बिजनेस, और इस पे आपको ज़रूर यहाँ पर अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए, और जिस प्रकार के ये कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज हैं, बिजनेसेस हैं, तो ये आपको ज़रूर एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है आगे आने वाले 5 सालों में। अब बात करें देखिए आगे बोनस स्टॉक की, मैं आपको जो बताने वाला था वो है दोस्तों एयरटेल एंड रिलायंस जियो। ये दोनों कंपनीज दोस्तों टेलीकॉम बिजनेस को यहाँ पर जो है कैटर करती है। टेलीकॉम बिजनेस मतलब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में नेटवर्क है, तो जो सबसे बड़े जो दो प्लेयर हैं वो है एयरटेल और रिलायंस जियो। और आगे आने वाला जो समय है दोस्तों, जिस प्रकार से आप अगर आप एक में ऑब्जर्व आपने किया होगा, जब हमारा समय था तो हमको 12th के बाद दोस्तों वहाँ पर जो है मोबाइल मिलता था, लेकिन आज का समय आप देखिए, जो 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है दोस्तों, वो उनके हाथ में मोबाइल है एंड दे आर यूजिंग इट वेरी एफिशिएंटली। तो आने वाला समय दोस्तों जो है 5G का है, और ये बढ़ता ही रहेगा। जिस प्रकार से
डेवलप्ड नेशन है, एक डेवलपिंग नेशन है इंडिया, और जब अभी सॉरी डेवलपिंग नेशन है और जब डेवलप्ड बनेगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ से टेलीकॉम बिजनेस कितना आगे जाने वाला है। और इसमें दोस्तों एंट्री बैरियर भी है, इस बिजनेस में आना बहुत ही मुश्किल का काम है, जहाँ पर कई गवर्नमेंट अप्रूवल्स रखते हैं, पॉलिसीज होती हैं, और कैपिटल एक्सटेंसिव जो है बिजनेस है, तो वहाँ पर दोस्तों इस बिजनेस में एंटर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जो इस बिजनेस पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ, तो ये आपको आप भी इस पर नज़र रख सकते हैं। रिलायंस जियो का जब IPO आएगा आपको उस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, और एयरटेल तो मुझे लगता है अब यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी एयरटेल की हो सकती है। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। कोई भी आपके क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और चैनल पे दोस्तों नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है अभी तक तो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना, हमारा मोटिवेशन दोस्तों बना रहता है आपके लिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम पोस्ट करते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।